हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल ट्रेडिंग। जो लास्ट वीक में सेबी का जो सर्कुलर आया है वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं, जैसे कि डिफरेंट इंडाइसेस थे उसके जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती थी और उसकी जो वीकली एक्सपायरी थी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस है। ये हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एनएससी में हमारे पास क्या क्या था ट्रेडिंग करने के लिए वीकली एक्सपायरी में। सबसे पहला था हमारा निफ्टी था, राइट, एक निफ्टी था। दूसरा था बैंक निफ्टी था जिसकी एक्सपायरी होती थी वीकली। उसके बाद जो रिसेंटली ऐड हुआ था वो क्या क्या था, एक था मिड कैप था और दूसरा था फिन निफ्टी था। तो टोटल चार इंडाइसेस थे, उसमें ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी रहती थी। तो जो भी वीक डेज रहते थे एक दिन में एक एक्सपायरी रहती थी। तो अभी क्या हुआ है कि इसके साथ बीएससी के भी कुछ इंडाइसेस आए थे, बीएससी और ये था एनएससी, ठीक है। तो बीएससी में क्या क्या था, एक था सेंसेक्स, दूसरा था बैंक एक्स और आई थिंक सेंसेक्स 50 भी था, ठीक है। तो ये तीन भी, इसके तीनों की भी एक्सपायरी रहती, तो टोटल सात एक्सपायरी रहते थे। सेबी ने क्या बोला है कि भाई आप एक ही वीकली एक ही एक्सपायरी रख सकते हो। ये जो चार एक्सपायरी है इसमें से कौन सा भी आप सिलेक्ट करो और उसमें से एक एक्सपायरी रखो। और बीएससी को भी बोला है आप भी ये तीनों में से एक कौन सा भी चूज़ करो और उसमें से एक रखो। तो अभी क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, जैसे ही सर्कुलर आया है उन्होंने वो डिसीजन लिया है और उसमें क्या हुआ है कि जो हमारा निफ्टी है निफ्टी को कंटिन्यू किया है एनएससी वाले ने एंड बीएससी में क्या है सेंसेक्स है। तो अभी से क्या होगा कि आप ये बैंक निफ्टी मिड कैप फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो रहती थी वीकली वो बंद हो चुकी है। तो अभी आप देखिए इसका डेट भी आया है जो यहाँ पे दिख रहा है कि 13 नवंबर को निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी जो रहेगी वो लास्ट रहेगी, उसके बाद उसमें आप वीकली एक्सपायरी नहीं रहेगी। ये हो गई बैंक निफ्टी की लास्ट डेट। यहाँ पे उसके बाद कौन सा है, फिन निफ्टी का 19 नवंबर की जो रहेगी वो लास्ट वीकली एक्सपायरी रहेगी और मिड कैप की 18 नवंबर की रहेगी। मतलब 20 नवंबर 24 से नो वीकली एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी मिड कैप एंड फिन निफ्टी, बात ख़त्म। और ये अभी एक्सपायरी रहेगी सिर्फ मंथली रहेगी ना कि वीकली, ठीक है, ये क्लियर है। अभी इसके बाद जो रहता है बीएससी ने क्या किया है कि सेंसेक्स को कंटिन्यू किया है और बाकी जो दो एक्सपायरीज थे बैंक एक्स एंड सेंसेक्स 50 को निकाला है। यहाँ पे ये भी न्यूज़ देख सकते हो, बीएससी फॉलो सूट विद सेंसेक्स वीकली ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट थे डिसकंटिन्यू किए हैं किसके, सेंसेक्स 50 एंड बैंक एक्स के, ठीक है। तो ये जो लास्ट बैंक एक्स वीकली कब तक अवेलेबल है, अंडिल नवम्बर 18, मतलब 20 के बाद, नवम्बर 20 के बाद ये वीकली एक्सपायरी अवेलेबल नहीं रहेगी। From November 14, BSE will continue only weekly derivatives in Sensex. सेबी को लगता है कि इससे थोड़ा सा मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स है वो जो लॉस कर रहे हैं इससे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपायरीज रहते हैं बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि एक रुपये का ऑप्शन ले लो 100 रुपीज़ हो जाएगा, बट उनको वो नहीं पता रहता क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो ये से भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर रहेगा कौन से एक्सपायरीज कब है अभी क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐप में भी देखेंगे लाइव कौन से कॉन्ट्रैक्ट अभी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। तो आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।